all do it together, Suchitra. Yeah. Yeah. हर कोई प्लेटफॉर्म इम्पोर्टेंट है एक्टर्स के लिए जब इट्स फॉर द एक्टर्स यू नो बाय द एक्टर्स और जो टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कशन डिस्कस किए हुए हैं ऑल द डिफरेंट इन ऑल द डिफरेंट पैनल या यू नो ऑल द डिफरेंट पैनल डिस्कशंस थ्रू आउट द फेस्टिवल हैज़ बीन एक्सेलेंट. अच्छा रहा है कि यू नो हम लोग को एक प्लेटफॉर्म मिला है कुछ तो वॉइस करने के लिए और जो टॉपिक्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग है विच हैज़ नॉट बीन डन बिफोर तो उसके हिसाब से वी हैड अ रियली गुड टाइम. बहुत 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 मज़ा आया मुझे मेघना जी से मिलने का मिला मैम से मिलने का मिला इतने सारे अच्छे अच्छे मतलब साक्षी जी से मैं पहली बार मिली सबसे ही मालिनी तो बहुत मज़ा आया और सबके थॉट्स मुझे जानने को मिले और भी ज़्यादा मुझे पॉजिटिविटी मिली एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिली. सो और बाकी यू नो व्हाट्स देयर थॉट आज भी यू नो नए कॉन्सेप्ट्स और अच्छे कॉन्सेप्ट्स आना चाह रहे हैं और आई कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट. तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर अपनी बात रख कर और जो मेरे यू नो मुझे जो हर्डल्स आ रही है अपने रास्ते में और फिर उनके सॉल्यूशंस जो मुझे मिले तो काफ़ी मज़ा आया मुझे. मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे फेस्टिवल्स और ऐसे डिस्कशंस वर्कशॉप्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सब लोग अपना टाइम निकाल के कुछ वर्किंग लोग हैं कुछ कॉलेज में हैं वो एक फिल्म स्कूल नहीं ज्वाइन कर सकते या ट्रेनिंग नहीं कर सकते तो इन फेस्टिवल्स के थ्रू उनको बहुत सारी नॉलेज गेन मिल सकती है. तो इसलिए मैं एक्चुअली बोलना चाहूँगी ऑडियंसिस को कि प्लीज़ आप हर साल ऐसे वर्कशॉप्स में आइए अटेंड कीजिए क्योंकि वेल्थ ऑफ नॉलेज है इन सब में इतना एक्सपीरियंस है और हमने जो भी सीखा है हम आपको सिखाने के लिए तैयार है. तो इट बी नाइस कि आप भी आके हमसे हमारा सुने और बाकियों का सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं क्योंकि इसमें आपको बहुत बहुत मदद होगी जब आप इंडस्ट्री एंटर करेंगे. बिल्कुल मैम हम आप तीनों से जानना चाहेंगे जिस तरीके से हमारे शहीदों का अटैक हुआ है पुलवामा में क्या कहेंगे. कहना क्या है आई मीन इट्स रिडिक्यूलस इट्स सो अपसेटिंग एंड आई थिंक यू नो स्मृति जी ने एक्चुअली शी मेड अ वेरी गुड पॉइंट ऑन सोशल मीडिया विच वॉज यू नो वेयर शी सेड यू नो योर एवरीवन इज टॉकिंग सो मच अबाउट इट एंड इफ यू वांट यू नो टू डू एनीथिंग अबाउट इट बी अ बेटर इंडियन फॉर दीज पीपल टू फाइट फॉर यू नो सिर्फ बैठ के ऐसे बातें मत करो इसके बारे में इट्स रियली 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 सैड. And I think, I mean, our political system, someone needs to do something, yeah? We're so capable of making that change. And, you know, aam aadmi, the maximum we can do is hum log vote kar sakte hain, you know? But it's the people in power. Don't make this a game as far as power between you guys is concerned. Just make it, do something that will, you know, make some sense and that will show us some results. Yes. ऑब्वियसली डीपली सैडन और जो भी मैम ने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि यू नो हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको और स्ट्रांग होना चाहिए. हमारी यू नो आई थिंक सब कुछ स्ट्रांग है बट स्टिल वी नीड मोर स्ट्रांग. अभी बहुत हो गया है हमारे अगर शोल्डर्स ही सेफ नहीं है तो हम सिटीजन्स तो सोच भी नहीं सकते. तो हाउ हम बोलते हैं आज कॉन्फिडेंट वुमेन आज तो मतलब हम कैसे कॉन्फिडेंस वुमेन छोड़ो मैन भी कहाँ से कॉन्फिडेंस लेकर आएगा जब हम घर से बाहर निकलते हमें पता ही नहीं है यू नो हम वापस आएंगे या नहीं या हमारा कोई अपना जब हमारे जो शोल्डर्स जो हमारे लिए आज यू नो हमारे लिए तो लगता है कि भगवान ही नहीं है यू नो हमारी रक्षा वही कर रहे हैं तो और वही अगर सेफ नहीं है तो फिर हम कैसे. तो वी आर नॉट इन अ सिक्योर कंट्री एज फार एज मुझे ऐसा लग रहा है. आई थिंक ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी नहीं है पूरी दुनिया की है. हर जगह हर कंट्री आप जाते हैं ये होता है और एक डर सा बैठ गया है सब में. मगर जैसे सुचित्रा जी ने कहा और स्मृति जी ने लिखा कि हम एज सिटीज़न क्या कर रहे हैं हम ट्विटर पे बोल देते हैं हम ऐसे बोलते हैं जैसे हम ब्रेव वॉरियर्स हैं उधर जाके हम लड़ सकते हैं बट बोलने में और करने में बहुत फ़र्क है. तो हमारा हमसे शुरू होता है कि हम हमारे फैमिली में हम क्या सिखा रहे हैं हम हमारे नेबर्स को क्या सिखा रहे हैं हम अपने एग्जाम्पल से क्या सिखा रहे हैं. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज इंडिया में हिंदुस्तान में भारत में हमको ये बहुत एक कॉन्सेंट्रेट करना है कि हम अपने आप को सुधारें क्योंकि उससे ही देश सुधरेगा उससे ही हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा देश बना सकेंगे. तो आई थिंक चेंज स्टार्ट्स विद आवर सेल्फ गोइंग बैक टू गांधी जी एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. माई प्रेयर्स फॉर द फैमिलीज फॉर द मार्टर्स आई थिंक यू नो नथिंग कैन कॉम्पनसेट फॉर दिस लॉस एंड all I can do is pray for them. Thank you. Center mein samne dekhna.
एक मिनट हाँ आई थिंक ये पहली बार है जब सिंटा इस तरह के एक्टर्स के लिए एक फेस्टिवल इस प्रकार का कर रहे हैं और जो मैंने अभी सुना जिस तरह के लोग आए हैं और जिस तरह की बातचीत हुई है ये बहुत बहुत बढ़िया चीज़ हो रही है और आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड दैट सिंटा हैज़ अरेंज दिस एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो इन एंड टॉक I think Sinta is certainly doing a lot of work now. Sinta was not doing very much a few years ago, but now I keep hearing them doing a lot of things. So I think it's a very, very encouraging thing. जो हुआ है उसके बारे में मतलब कोई क्या सोचेगा वो तो पूछना ही नहीं चाहिए ना वो तो बहुत ही दुखद बात है और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इसलिए भी आता है क्योंकि इतना तकलीफ़ होती है और हम हेल्पलेस होते हैं कुछ कर नहीं सकते हैं तो मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार और हमारी आर्मी कुछ करेगी गुस्सा की बात की है लेकिन आज लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सोल्जर्स के लिए लोग रोड पे उतरे रेल नहीं हमेशा उतरते हैं सोल्जर्स के लिए लोग हमेशा हमारे यहाँ होती थी मैम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा होता था प्रोटेस्ट इस तरह का प्रोटेस्ट लेकिन इस बार सोल्जर्स के लिए नहीं हमेशा मुझे लगता है हमारी कंट्री में जब ऐसा कुछ होता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं अभी ये बहुत ज़्यादा हुआ है ना तो इसलिए शायद ज़्यादा एंगर है बट मुझे लगता है जब भी हमारे देश के लिए कुछ ऐसा होता है तो हमारे लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं थैंक यू हम लोगों की तरफ से पवन भाई जवाब दे रहे हैं हम हाथ लगा दे रहे हैं पवन भाई पूछिए सवाल पवन होता है सिंटा ने ऑर्गेनाइज किया है एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है यू नो बहुत सारे क्रिएटिव लोग आ रहे हैं अलग अलग जो ट्वीट्स हैं क्या कहना चाहेंगे कितना ज्यादा जरूरी है इस तरह का नहीं बहुत अच्छा है आप अपने साथियों को मिलते हैं और ये कोई बाहर के लोग नहीं एक्टर्स वो एक्टर ही आप अपनी कम्युनिटी में हैं और बात कर रहे हैं और जो भी शंकाएं मन में होंगी या हमेशा जहाँ भी आप इस तरह से मिलते हैं हमेशा कुछ सीखने को मिलता है और एक तरह की सेलिब्रेशन भी है ये फेस्टिविटी भी है कि हम आपस में जैसे हम बहुत सारे मैं दीपक को बहुत अरसे बाद मिला हूँ नीत भाई को बहुत अरसे बाद मिला हूँ तो ये भी एक अच्छा हुआ और बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो यहाँ पर आके अपने अपना एक्सपीरियंस लोगों से शेयर कर रही हैं तो मैं सिंटा को अपने सभी कलाकार दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ ये जो कदम उन्होंने उठाया और आशा करता हूँ कि ये हर साल इस तरह की चीज़ होती रहेगी और ज़रूरी नहीं कि हम स्टेज पर ही पैनल में ही हों हम सामने ऑडियंस में भी बैठ कर सुन सकते हैं और देख सकते हैं एब्सोल्युटली डिटो बिल्कुल यही जो सेम बड़ा अच्छा कदम है बहुत बढ़िया ऐसा करते रहना चाहिए और मुझे लगता है कि जो ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है ये 100% नहीं 200% सफल है और ये हर साल होता रहेगा और होता रहना चाहिए ताकि हम सब देख सकें कौन कौन जुड़े हैं नए लोगों से पुराने लोगों से मिलना मिलाना होता रहे बहुत अच्छा कदम है और सिंटा के इस कदम से थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन जैसा फील आ रहा है जो पहले होता था कि हमने अपना काम कर दिया किसी प्रोडक्शन अलग है ये अलग है एक्टर कौन है इसमें सब जुड़े हैं तो एक परिवार जैसा और एक थोड़ा जस्टिस का फीलिंग आ रहा है कि आने वाली जो जनरेशन है जो लोग हैं जो टैलेंटेड लोग हैं उन सबको जस्टिस मिलेगा है ना बिल्कुल मैं भी यही कहूँगी कि ये इतनी अच्छी कोशिश है
और कोशिश ही क्या, सफलता मिली है, दो दिन से इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ चल रहा है और हम अपने लोगों से मिल पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दर्शक कोई और नहीं है, वो भी कलाकार लोग ही हैं। और आज हम स्टेज पर थे, मैं आशा करूँगी कल वो स्टेज पर हों और हम लोग उनको देखने आएँ, ऐसी मेरी पूरी कामना है और बहुत सफलता मिले इस प्रोग्राम में। थैंक यू सिंटा को, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद हम सब के लिए करने के लिए। थैंक यू सो मच। और सभी देशवासियों को जय हिंद। एक काम कर, पांच को पूरा पकड़ रख। हाँ है भारत, ऊपर कर दे रहा हूँ, जवाब दे तुम्हारे यहाँ। भाई छुड़ो, भाई छुड़ो, भाई छुड़ो, अरे यार मेरे को दादा नहीं, ये प्रभात ये एक एक मिनट, ये पकड़ लो, पकड़ो यार इसको। ये ऑर्गेनाइज किया एक प्लेटफॉर्म है क्रिएटिव, कैसे एक्सपीरियंस है आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है ये सिंटा की तरफ से। मेरे ख्याल से पहला एक्टर्स के लिए फेस्टिवल है, फिल्मों के लिए फेस्टिवल होता है, स्क्रीन राइटर्स लैब होता है, डायरेक्टर्स वर्कशॉप होते हैं, पर ये एक्टर्स का पहला फेस्टिवल है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सिंटा फॉर एवरी एक्टर इज़ लाइक अ फैमिली। एंड और अच्छी खास बात ये है कि सिंटा को तभी याद किया जाता है जब कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है। ये पहली बार एक सेलिब्रेशन के तौर पे सिंटा एक इनिशिएटिव ले रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक ये पहला साल है, तो आई जस्ट विश देम द वेरी बेस्ट फॉर द इयर्स अहेड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहली बात तो मैं देश का धन्यवाद देना चाहूँगा, हर भारतीय का धन्यवाद देना करना चाहूँगा, जिस तरीके से उरी हमारे फिल्म को उन्होंने सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो हालात भी चल रहे हैं वो इट सीम्स लाइक अ पर्सनल लॉस बिकॉज ऑफ द जर्नी दैट वी ऑल हैड एज अ टीम, एंड दुख होता है। आप लगातार उस बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और इट्स अ वेरी सैड टाइम, इट्स अ वेरी सैड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। और ये भी कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज हैं, खासकर अक्षय कुमार की बात करें, उन्होंने जो इनिशिएटिव शुरू किया वेलफेयर फंड का, हाँ जी, हाँ जी, तो उस तरह का इनिशिएटिव शुरू करना कितना जरूरी होता है, खासकर सेलिब्रिटीज की बात करें, क्योंकि नोन फेस होते हैं, लोग फॉलो करते हैं उनको। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर हम इमोशनली फाइनेंशियली किसी भी तरीके से उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर सकें एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी, वो बहुत अच्छी बात होती है। तो ऐसे सारे इनिशिएटिव्स को बहुत बहुत मुबारकबाद, और हमें आई थिंक जितनी काउंट के साथ हम आ सके वो उतना काउंट कम है, हम सबको आगे बढ़ के ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। देखिए लास्ट में ये ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उससे बहुत फ़र्क पड़ा था, क्या आपको लगता है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक और अब पैमाने पर की जानी चाहिए? देखिए मैं समझता हूँ, मैं यहाँ खड़े खड़े मैं बहुत एक कम नॉलेज वाला इंसान हूँ इसको लेकर, यहाँ बैठ के बोलना बहुत आसान है कि आप ये कर दो, आप वो कर दो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसके रिपरकशंस भी कई होते हैं। तो आई थिंक द बेस्ट मूव, आई थिंक हमारी गवर्नमेंट सोच ही रही होगी, ये सब जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे एक ठोस तरीके से बात चल रही होगी कहीं, एंड मुझसे ज़्यादा ज्ञानी लोग ये बात कर रहे होंगे, एंड आई थिंक उन पर छोड़ना चाहिए। बट दैट पेन एंड एंगर दैट वी आर फीलिंग यूनाइटेडली, आई थिंक उसका एंड आई फील ये मौका ना भूलना चाहिए, और इट शुड नॉट बी फॉरगॉटन एंड इट शुड नॉट बी फॉरगिवन आल्सो। हाँ जी, रिटेलिएशन बहुत ज़रूरी है इस वक्त। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल एक जवाब देना बहुत ज़रूरी है, एंड जवाब इस तौर पे कि इन चीज़ों को हम ना लाइटली लेंगे, बहुत सीरियसली लेंगे, और इन चीज़ों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। ओके विकी, अभी में विकी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान से जो रिश्ते हैं, चाहे वो फिल्म के हों, आर्टिस्ट के हों, उनको भी खत्म करना चाहिए, अब विराम लगना चाहिए वहाँ पर? देखिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के सैनिक, और उससे ऊपर कोई नहीं। विकेट जस्ट वन लास्ट थिंग, श्रीदेवी के निधन तो एक वर्ष पूर्ण हो जाएगा, सो एज अ व्यूअर, किसको सॉरी, श्रीदेवी जी के निधन तो एक वर्ष पूर्ण हो जाएगा, सो एज अ व्यूअर व्हाट आर योर मेमोरी ऑफ हर? नो, आई थिंक शी इज ऑलवेज देयर इन आवर प्रेयर्स, शी इज ऑलवेज देयर, एंड आई थिंक वी ऑल आर फैंस फॉर लाइफ, यू नो, एंड इट्स अ बिग लॉस फॉर द इंडस्ट्री, एंड इट्स अ बिग लॉस फॉर द नेशन, एंड वी ऑल विल कीप गेटिंग इंस्पायर्ड बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चा, थैंक यू। ले ए प्रभात को, प्रभात यू नो क्या कहते हैं उसको,
छोटी सी हमारी इंडस्ट्री की डेमोक्रेसी है ये, ऑफ द एक्टर्स बाय द एक्टर्स फॉर द एक्टर्स, इज द बेस्ट फर्स्ट एवर टाइम. एंड आई एम नॉट सरप्राइज बिकॉज सुशांत भाई, अमित, मनोज और सिंटा की अभी जो कमिटी है, द काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स दैट दे आर टेकिंग आर फैंटेबुलस टू से द लीस्ट. यू नो अभी दो तीन साल से जो सिंटा का पूरा रूप चेंज हुआ है वो इन्हीं लोगों की बदौलत है, इनके इनिशिएटिव्स की बदौलत है. एंड आई एम श्योर यू नो इसके आगे भी और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है जो हमें ढेरों बार सरप्राइज करने वाली है. सो यस, वी आर अ पार्ट ऑफ सिंटा एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड. दिस इज माई कॉलेज वेयर वी आर हैविंग दिस फेस्ट, सो वेरी हैप्पी टू बी इन सिंटा एंड बैक इन माई कॉलेज. एक चीज़ और है, पुलवामा में जो अटैक हुआ है, CRPF के 40 से ज़्यादा जवानों की मौत हुई है, देश में इस बात को लेकर बड़ा आक्रोश है और सब चाहते हैं कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाए. आपकी क्या राय? हमने कुछ साल पहले वैसे जवाब उनको बिल्कुल दिया है एंड नाउ आई गेस द वर्ल्ड नोज दैट वी आर क्वाइट केपेबल ऑफ डूइंग इट. एंड सो यस, आई मीन सबको इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि ये बात ऐसे हुई हमारे जवानों के साथ. एंड ऑब्वियसली व्हाट द गवर्नमेंट, द काइंड ऑफ स्टेप द गवर्नमेंट विल टेक, द आर्मी विल टेक, यू नो वी आर वेटिंग फॉर दैट. वी आर इन कंप्लीट सॉलिडैरिटी विद दैट एंड वी कंप्लीटली सपोर्ट देम. यू नो मुझे, हम वही बात करते रहते कि हम और कैसे सपोर्ट कर सकते, हम और उनकी मदद कैसे कर सकते, हम उनको और हमारा सपोर्ट कैसे दर्शा सकते. ये आई गेस द डे विल फिगर इट आउट. मैं पहले से कहता आया हूँ यू नो कि हमारे यहाँ पे भी आर्मी ट्रेनिंग और आर्मी में सर्विस एटलीस्ट कुछ महीने के लिए, एक आध साल के लिए कंपलसरी होनी चाहिए. द एंटायर कंट्री जस्ट नीड्स टू बी वन एट सच टाइम्स. अगर वैसा सामने आपको जवाब मिलेगा ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारी कंट्री की तरफ आँख उठा के देखने. थैंक यू, थैंक यू. जिस तरीके से सिंडा ने एक्टिविस्ट को ऑर्गेनाइज किया है एक्टर्स के लिए, कितना बेनिफिशियल? आई थिंक बहुत ही खूबसूरत स्टेप है टू ब्रिंग द एंटायर कम्युनिटी टुगेदर. हम अभी बात कर रहे थे मैं और माननी कि एज एक्टर्स आप सब अपने एक यू नो यूर अ वन ट्रैक पोनी. जो आप अगर अपना शो कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, आप अपने काम पे व्यस्त हो जाते हैं. एंड जब अवार्ड फंक्शन होते हैं, कोई इवेंट होता है, तभी मिलते हैं और वो औपचारिकता वाली बातचीत होती है. हेलो, आई हैव गोइंग लॉन्ग टाइम. बट आई थिंक एट प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस यू गेट अ चांस टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स थॉट्स. यू गेट टू मीट पीपल हु हैड फार मोर एक्सपीरियंस देन यू, लाइक हर सेल्फ. आई हैव वॉच्ड हर फॉर सो मेनी ईयर्स एंड इट्स सो अमेजिंग टू बी एबल टू शेयर द सेम डायस एंड अंडरस्टैंड इनके विचार क्या है, इन्होंने अपना करियर कैसे बिल्ड किया है. And how does it still apply to you? And I think it's wonderful Sinta's taken this step. Sorry, I'm just... जब पहली बार मैंने कल सुना, दिन में मैं शूट कर रहा था, I couldn't believe it. आपने इसके पहले उड़ी अटैक से बारे में सुना था जहाँ 11 सिपाही शहीद हुए थे, बट दिस इज़ ऑफ अनदर मैग्नीट्यूड. 43+ सोल्जर्स, इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ट ब्रेकिंग. मेरे पिताजी खुद आर्म फोर्सेस से हैं, इंडियन नेवी से हैं, उन्होंने 1971 की वॉर लड़ी है. तो मेरा बचपन यू नो आर्म फोर्सेस की कहानियाँ सुन के ही बीता है. आई हैव हर्ड सो मैनी स्टोरीज एंड बट वेन यू गेट टू सी ब्लड शेड एंड यू नो ये वो सिपाही है जो मारे गए जब वॉर भी नहीं चल रही थी, यू नो पीस के टाइम पे, इट जस्ट फील्स सो टेरेबल. और आप कभी कभी अपनी लाइफ को क्वेश्चन करते हैं कि हम अपनी छोटी सी जिंदगी में इतने मसरूफ हो जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, पर जो देश में हो रहा है, जो हमारे आई थिंक CRPF जवानों के साथ हुआ, इट इज़ सो मच बिगर, इट इज़ सच अ ह्यूज कैलामिटी, आई वुड कॉल इट. It's just terrible what's happened. It's heartbreaking. I really hope ki, I think the present government, the government which will come ahead, can find a way to deal with this because it's a much larger issue than bahut log social media pe keh rahe hain ki iska jawab dena chahiye, you know, dialogues band ho jane chahiye. But I feel jo Kashmir mein situation hai, it's far more complicated. And it's got far more complicated in the last 5 years. You know, jo 89 mein tha, abhi phir se wahi situation ho gayi. It needs a far more nuanced understanding jo shayad mere paas bhi nahi hai. But I think, you know, at least what I feel I can do is reserve my right of just having a random opinion on Twitter or on Instagram,
कि लड़ाई करो वॉर करो इट्स नॉट दैट ईजी यू नो बट हैविंग सेड दैट माई हार्ट इज विद द फैमिलीज ऑफ यू नो ऑल द सोल्जर्स हु हैव बीन मार्टर्ड. आई थिंक ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है और ये एक तरह का इंटरफेस है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एज़ नकुल ने कहा कि हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में आइसोलेट हो जाते हैं और हमें ये नहीं पता कि हम जिस फ्रटर्निटी को बिलोंग करते हैं उसमें बहुत से और लोग हैं जो शायद हमारी कहानी से इंस्पायर्ड हों और जिन्हें शायद सपोर्ट मिले हमारी ज़िंदगी या हमारे करियर को देख के. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फैबुलस इंटरफेस और पहली बार ऐसा कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पूरी दुनिया में. So I think kudos and congratulations to Cinta for a fabulous initiative. कहने को कुछ बचा नहीं है. जब 40 plus innocent lives जिनके घर पर उनके शरीर के टुकड़े भी वापस नहीं आते हैं और वो माएँ जिनकी आँखों से आंसू बंद नहीं हो रहे हैं वो fathers जो जिनको समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने एक अच्छे cause के लिए अपने बच्चों को भेजा था. I don't know मतलब are we at war? It's literally seeming like we are at war. मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि इन जवानों के लिए हम अगर कुछ न भी कर सकें तो एक प्रेयर तो बोल सकते हैं यू नो समथिंग टू कीप देम गोइंग दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और दूसरी चीज़ ये कि देखिए मैं ना तो गवर्नमेंट चलाती हूँ ना गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ लेकिन मैं डेफिनेटली सिटीज़न हूँ और मैं एज बतौर सिटीज़न एक ही चीज़ बोलूँगी वी नीड टू सपोर्ट आर सोल्जर्स दीज आर द ब्रेव हार्ट्स दैट आर प्रोटेक्टिंग अस. आज उनकी वजह से आज हम यहाँ पर इतने खुश आराम की ज़िंदगी बिता रहे हैं. सो वी नीड टू एब्सोल्युटली बी विद आवर सोल्जर्स एंड आई रियली होप एंड प्रे कि हमारी गवर्नमेंट और आने वाली गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी या जो भी डिसीजन लेगी वो सारी पार्टियाँ सब मिलकर लें. ये वक्त नहीं है अलग अलग विचारधाराओं का. ये वक्त है कि हमारे बच्चों को ज़रूर और जल्द से जल्द जस्टिस मिले. So I salute all these brave hearts and my heart goes out to those mothers. I am a mother myself and I just say Jai Hind and Jai Jawan. That's it. Thank you. Thank you, पकड़ना पड़ेगा. अच्छा देखिए सिंटा ने जो काम किया है बहुत साल पहले होना चाहिए था और मैं बहुत मतलब कदर भी करता हूं और एक दाद भी देना चाहूंगा कि ये जो अटेम्प्ट किया है सुशांत हैं अमित जी हैं विक्रम गोखले जी हैं मनोज जी हैं दीपक काजिर हैं अयूब खान हैं ये सारे लोगों और भी हैं जो नाम अभी नहीं ले रहा हूं लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने जुड़कर ये अटेम्प्ट इतना प्यारा अटेम्प्ट किया है और मैं और ये साल दर साल बढ़ता ही रहे और ये बहुत ज़रूरी था कि अपनी फ्रेटर्निटी को इनक्रेज करना उनकी सहानुभूति करना एक तरीके से एंड प्रोत्साहन करना ये सारी चीज़ें हमारी फ्रेटर्निटी जो खुद करती है ना कि बाहर कोई मैगजीन कर रहा है कोई कर रहा है वो अलग चीज़ होती है लेकिन जब हमारी अपनी फ्रेटर्निटी हमारे एक्टर्स हमारे सीनियर्स रिकग्नाइज करते हैं और जो बाहर शायद रिकग्निशन मिलता नहीं है और वो आदर या इज्जत या जो भी आप कहें अवार्ड एक कहने का मतलब ये कि एक टैलेंट
दूसरे टैलेंट को पहचान कैसे पहचानता है और अवार्ड देता है, और कौन पहचान सकता है, एक एक्टर ही पहचान सकता है जो इस फ्रेटर्निटी का है, जो कह रहे हैं कि बहुत बहुत ही अच्छा काम है, सालों साल बाद मेरे फादर कहते थे कि बहुत पहले होना चाहिए था, बट खैर देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी, वी आर ऑल वेरी हैप्पी। अच्छा लेकिन अभी तो आप इज इट अ सिंटा थिंग एंड देन नाउ वी विल गो ओके बोलिए पूछिए। देखिए अटैक एक तो पहली बात जवान पर जो सेल्फलेसली इस मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर वहाँ खड़ा हो जाता है, तो एक तो उसकी पोजीशन ही अलग है, वो हमसे बहुत, वो रियल हीरो जो हम कहते हैं वो रियल हीरो है, उस पर जब इस तरह का कावर्डली अटैक होता है कि छुपके से आके बम से फोड़ा दो फोड़ दो, जो वो उनके रीज़न होते हैं वॉक इंटरप्रिटेशन होते हैं आपके लेके आते हैं कि हमारे ये मकसद है हम ये कर रहे हैं, तो ऐसे वॉक लोग दुनिया भर में भरे हुए हैं एंड ऑब्वियसली हमारे जवान हैं, हमारे हीरो हैं, हमारे रक्षक हैं, तो हमको तो बिल्कुल यार एक दर्द होगा, लेकिन क्योंकि उनके जो घर वाले उन पर क्या गुजरी होगी वी अंडरस्टैंड, बिकॉज सब ने कुछ ना कुछ खोया, लेकिन ये सेल्फलेस लोग हैं, ये जानते हैं कि हमारा अंत कहीं ना कहीं इस तरह से होगा और ये जानते हुए भी ये वहाँ पे खड़े होकर प्रोटेक्ट करते हैं, तो बहुत सलाम सल्यूट उनको एंड होपफुली अब जो भी लोग हैं रिस्पॉन्सिबल तो उनको तो दे हैव टू पे बिकॉज दिस इज नॉट वी कांट टेक इट एनीमोर, बहुत हो गया। और कहते हैं नाम भी रखा है जायश मोहम्मद, क्या नाम रख रहे हैं वो, हम भी मुसलमान हैं, यू नो जायश मोहम्मद आर्मी ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद विच चूज वो नाम ही हु आर देयर टू कॉल देमसेल्फ द आर्मी ऑफ मोहम्मद, इस तरह के एक्ट करना कि अब निहत्तों को छुपके से आके बच्चों को यू नो बूढ़ों को जवानों को किस तरह, दिस इज नॉट द एक्ट ऑफ सो कॉल्ड ए रिलीजियस ग्रुप और किसी भी कोई भी रिलीजियस कोई टेररिस्ट, सिंपल एज दैट, दिस इज इट इज वी क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही दर्दनाक बात है और ऐसे लोगों को हमारी आर्मी अब चल रही है और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी आर्मी जाकर इनको निकालेगी पकड़ेगी और जो करना है जहाँ भी एंड दिस एंड वर्ल्ड का सपोर्ट है कि देखिए सम ये ग्रुप्स टेररिस्ट ग्रुप्स रिकॉग्नाइज कर दिए गए, लेबल्ड कर दिए गए कि टेररिस्ट ग्रुप है, तो अब क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं कि हम इनको निकाल नहीं पा रहे हैं, जहाँ भी बैठे हों या पाकिस्तान में बैठे हैं या अफगानिस्तान में बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं दे शुड बी किक्ड आउट एज सिंपल एज दैट एंड दे शुड बी पनिश्ड फॉर देयर एज सिंपल। थैंक यू सो मच, थैंक यू, विजुअल हो गया।